यू नो हाउ वी आस्क द दुकान वाला, ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, एज इफ इम्पोर्टेड होगा तो बेहतर होगा, यहाँ का बना होगा तो कुछ ना कुछ गलत होगा, ये सब स्टैंडर्ड है, ये इंफीरियर क्वालिटी का है. And we miss on some of the good things that we ourselves have produced, which are exactly at par with these imported products. Mr. Hamza, I'm assuming that you're coming to the point soon. Yes, yes, ma'am. Just 2 minutes. I'm afraid you only have 2 minutes left. जी मैम, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में बहुत कुछ गलत है, लेकिन बहुत कुछ सही भी है. For example, our cell phone service, locally assembled cars, agriculture-based products. Mr. Hamza. Ma'am, my thesis is Made in Pakistan. जब हम सब कुछ पाकिस्तान में बना सकते हैं, फिर ये इंपोर्टेड चीजों पर डिपेंडेंट क्यों हैं हम? हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट भी बेहतर हो जाएगा, एंड दिस इज द ओनली वे वी विल बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी. मिस्टर हमजा, मुल्क आप बाद में बचा लीजिएगा, फिलहाल ये बताएं कि आपके थीसिस की रिक्वायरमेंट थी लॉन्च ए प्रोडक्ट. आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या बेच रहे हैं? अपना हुनर बेच रहे हैं सर, अपना टैलेंट, ये बेच रहे हैं. और एक दिन ये प्रोडक्ट लेने के लिए ना लाइनों में खड़े होंगे लोग, लाइनों में. I don't think so. हाँ भाई, बेचा है कमेटी को अपने आइडिया. बेचने को कुछ होगा तो बेचूंगा ना. क्यों, पसंद नहीं आया उन्हें? यार देख, मैं उन्हें समझा रहा था कि it's the man or the woman behind any product or service. खुद थोड़ी पैदा हो जाती है चीजें. The key is to tap the right talent. और जैसे कि तू. Of course. और तू और यादा कॉलेज, उन चार निकम्मों के अलावा. तो तू प्रोडक्ट नहीं खुद को बेचने गया था? देख, मुझे कहते हैं कि रिजल्ट का वेट ना करें आप. एक बड़े से कागज पे बड़ा सैफ बना के दे दिया. यार यही मसला है इस मुल्क का, दे डोंट जस्ट बिलीव इन एनीथिंग. कोई भी थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स बात कर दो तो वो हंसना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि पागल है ये, खुद तो कुछ कर नहीं सके, इसीलिए टीचर्स बन के स्टूडेंट्स की बजा रहे हैं. ओ स्टीव जॉब्स, सही तो कह रहे हैं वो यार, जितना मांगा है उतना देना. ये सब दुनिया बदलने वाली बातें ना अमेरिका में चलती है या फिर उनकी फिल्मों में. अच्छा छोड़, तू बता तेरा थीसिस किस टॉपिक पर. साबुन है. हाँ साबुन, एक ऐसा साबुन जो खत्म ही नहीं होता है, मतलब देर तक चलता है. केमिस्ट्री लेने का एक फायदा तो हो गया यार, अब एक बार तेरे भाई का ए आ गया ना, भाई की एवरेज सेट हो जाएगी. यार अल्लाह ने तुझे इतना तेज दिमाग दिया और तू फिर भी उसे साबुन बेचने में यूज कर रहा है, कम ऑन यार. देख भाई, ए हासिल करने के लिए ना मैं साबुन तो क्या चूरन बेचने के लिए भी तैयार हूँ. देख भाई, जिसके ग्रेड्स होते हैं ना नौकरियां उसे ही मिलती हैं. और तेरे को एक बरादराना मशवरा है, कमेटी के पास जा और उनको बोल के रात भर तेरी नींद पूरी नहीं हुई है इसलिए तू सब बकवास करके आया है. कुछ भी बेच यार, साबुन, सर्फ, चिप्स, कुछ कुछ भी बेच यार. नहीं, उन्होंने जो ग्रेड देना है दे दें, आई विल स्टैंड बिहाइंड माय आइडिया. और क्या है वो आइडिया? वो आइडिया ये है कि आई हैवंट फिगर्ड इट आउट येट, बट आई विल. और लाइनों में खड़े होंगे लोग. अबे समोसा खिला इधर आ, समोसा खिला तू. तुम्हारा थीसिस प्रेजेंटेशन कब है? अभी 2 घंटे. आर यू प्रिपेयर्ड? हाँ, ऑफ कोर्स आई एम. आइडिया क्या है? तुम्हारा आइडिया क्या है? बॉम, मेरा सवाल मुझ पे डाल दी. ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. आई नो ISP क्या होता है, बट तुम्हें नहीं लगता कि मार्केट में बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही? हाँ है तो सही, लेकिन लॉग इन टाइम से ज्यादा आपको कस्टमर सर्विस में टाइम लग जाता है ना. गुड फॉर यू, गुड लक. तुम्हारा आइडिया क्या है? यार एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं डिस्कस नहीं करना चाहती. आई रियली बिलीव कि नजर लग जाती है. नजर लग जाती है क्या? आइडिया है कि अनुष्का और विराट का बेबी. I don't want to discuss it. Simple as that. ठीक है, ना बताओ. I'm not dying to know anyways. Yeah, right. Shampoo है ना? Maryam, come on. I don't want to tell you. ठीक है, ना बताओ. बाद में ना कहना कि मरियम मुझे बताया क्यों नहीं. Yeah. नहीं कहूँगी तुमको मैं. और वैसे भी, you know, I'm really passionate about my idea. I just feel like उनको ना समझ में आ जाएगा. ISP तो नहीं हो ना? दो सौ पचास अंकल, 3 समोसे और 1 बर्गर कर देना. नहीं 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 नहीं, तुम्हें तो मैं एक फ्रेंच फ्राइज का फ्राई भी नहीं दूंगा. तुमने तो पिछले महीने का और उस महीने का बिल भी नहीं दिया है. तो अभी 19 दिन हुए ना, पहली थोड़ी आई है. पहली आया तो दे दूंगा ना, मेरी कमेटी निकल रही है, हो जाएगा. तुम जैसे फ्रॉड बहुत देखे हैं मैंने, पहले पैसे फिर ऑर्डर. ऑर्डर कहाँ कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. अच्छा एक सेकंड. अब्बा की अलमारी से स्पेशल चुरा के लाया हूँ. चल समोसे तो खत्म हो गए, ये बर्गर खा.
वैसे समोसे रोज ही खत्म हो जाते हैं, ज्यादा क्यों नहीं मंगवा लेते? अरे वो जो समोसे लेकर आता है ना, वो कहता है अंकल बाइक पर इतने ही समोसे आ सकते हैं, पर तुझे क्यों बताऊं मैं? तो अब तो बता दिया, तो प्राइस बढ़ा देना, मैं देख रहा हूँ डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। अच्छा कोई जूस वूस तो दे दो, ये हलक से कैसे उतरेगा? थैंक यू अंकल, लव यू। ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना? मुझे पता है ये कॉलेज का आखिरी हफ्ता है, पहली तारीख को नहीं 25 तारीख तक बिल चुकता हो जाना चाहिए, वरना मैं तेरे घर पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, घर का मजाक नहीं है, आप घर आए तो मैं बता दूंगा अब्बा को कि सिगरेट चुराने के लिए आपने कहा था। अब ठीक है, तुझे मैं बताता हूँ। हाय गाइस, रिजल्ट के बाद मेरे घर पे पार्टी है, यू गाइस वांट टू कम? ये तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है, रिजल्ट को कौन सीरियसली लेते हैं, हमने कौन सी जॉब्स करनी है? हमने तो करनी है। तू अपनी बात कर, मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा। Oh, that's really cute and so unrealistic. See you guys, Tanish? Done. लेकिन किरण, वो मेरी कुछ कजन्स आ रहे हैं। No, हमो? यार किरण, actually I'm not feeling great. वो thesis committee वालों ने मेरे दिमाग की दही कर दी। I think उनको मेरी बात की समझ नहीं लगी। तो तुम अपनी बात मुझे समझा लो। Okay, bye. ये क्या चीज है यार? ये तो तुझे ही पता होगा हम्मू, वैसे यार हर कॉलेज में एक ऐसी जरूर होती है, और मुझे तो खुशी है कि हमारे पास भी एक ऐसी है। तूने जॉब्स अप्लाई कर दी? मैंने तो मत पूछ कितनी एप्लीकेशंस दे दी हैं, हर जगह पे यार बैकअप बहुत जरूरी है, वरना अब्बा जान से मार देंगे। असल में यार अब्बा ने जिंदगी भर नौकरी की है, और उनके अब्बा ने भी जिंदगी भर नौकरी की है, और ये हमारे जो आइडियाज हैं ये उनके समझ आने नहीं है, और अगर समझाने की कोशिश भी करो या तो चपले पड़ेंगी, वरना कम से कम चपेड़े तो आनी ही आनी है। सुन, रास्तों से वास्ते हैं, अब ना जाने आगे होगा क्या पता, हाँ क्या पता। आंखें देखी मंजिलों को और ना किसी से है कोई वास्ता, हाँ वास्ता।